वहीं मुरैना जिले में डीएपी खाद की भयंकर किल्लत देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडी परिसर किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी यहां पर लाइनों में खड़े हुए हैं। जिले में 8 दिन बाद डीएपी खाद की बोरी आई है। आपको बता दें डीएपी खाद की 800 बोरी यहां पर मिली है। इसी के साथ साथ कृषि मंत्री एंडल सिंह कृपाना का गृह जिला है मोरैना और यहां पर खाद की काफी कमी देखी जा रही है। डीएपी खाद की 800 बोरियां जो है वो फिलहाल यहां पर पहुंची है। किसानों की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखने को मिल रही है और आपको बता दें डीएपी खाद जो है उनकी तमाम बोरियां यहां पर आई है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से मुरैना जिले में डीएपी खाद की भयंकर किल्लत है और कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों की लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं। स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इस लाइन में खड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। तमाम किसान यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिले में 8 दिन बाद यहाँ पर डीएपी की ये बोरियां आई है। कृषि मंत्री एंदल का गृह जिला है मुरैना और यहाँ पर इस तरीके की स्थितियां देखी जा रही है। तो मुरैना जिले में डीएपी खाद की काफी किल्लत देखने को मिल रही है। कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। स्कूली छात्र छात्राएं भी इन लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मुरैना जिले में डीएपी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से तमाम किसान रिश्तेदार इसी के साथ साथ स्कूली बच्चे जो है यहां पर डीएपी की खाद लेने आए हैं। कॉलेज के छात्र छात्राएं भी इन लाइनों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जिले में 8 दिन बाद डीएपी खाद की बोरियां आई हैं और उन्हीं को लेने के लिए यहां पर ये तमाम लोग पहुंचे हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ मौजूद है। विनोद, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, तमाम किसान जो है वो डीएपी की खाद लेने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं, बच्चे यहां पर खड़े हुए हैं, किस तरीके की ये किल्लत सामने आ रही है और प्रशासन और अधिकारी इस पूरी किल्लत को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें ऐसा है मोरैना शहर के जो डीएमओ गोदाम है गन्ना मंडी में, वहां पर स्थित हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ की जो हजारों की संख्या में जो किसान जो लाइन में लगे हुए हैं, सुबह 4 बजे से आते हैं और वो लाइन में लगते, उसके बाद टोकन मिलता है, फिर कहीं जाकर फिर दोबारा लाइन में लगते हैं, तब कहीं खाद जाकर उनको खाद मिल पाता है। लेकिन 8 दिन बाद डीएपी के जो 800 बोरी आई है उनको लेने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान और महिलाएं और बच्चे और स्टूडेंट जो बच्चे भी है वो लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कहीं उन 800 बोरियों में से उन्हें कुछ खाद मिल जाए जिससे कि वो अपनी गेहूं की दोगुनी कर सके। विनोद, मैं चाहूंगा यहाँ पर आपके सामने तमाम लोग मौजूद हैं, ये परेशानी झेल रहे हैं, आप इनसे बात करें और इनसे पूछें कि कब से ये लाइन में खड़े हुए हैं, किस तरीके की परेशानी का इनको सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, मैं इसकी एक स्कूल की छात्रा है, वो अपनी पढ़ाई छोड़कर और लाइन में लगी है खाद लेने, उनसे बात। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनीता विसारी है। खाद के लिए आप कब से लगी हो? सुबह से लगी हूँ, अभी खाद मिलाई नहीं है। कितने दिन से परेशान हो रही हो? हम 1 महीने से परेशान है, कोई मिलना ही नहीं चाहता है, खाद बंद हो जाते हैं, तो सुबह आते हैं पर्ची कटाने के लिए। स्कूल की पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्या? स्कूल की पढ़ाई छोड़ के आती हूँ मैं संडे। अच्छा, कितने दिनों से परेशान हो रही हो? हम 1 महीने से परेशान है, आते हैं। अच्छा, आज कितने बजे सुबह यहाँ पे खाद लेने के लिए आई? मैं 7 बजे की आई हूँ, मिल नहीं रहा है, तो रोज आती हूँ सुबह स्कूल की। हमारे साथ और भी है, उनसे भी अपन बात करते हैं। कृषि मंत्री का जिला है फिर भी आप परेशान है? आपको खाद पंद्रह दिन से लगातार आ रही और भी है, उनसे अपन बात करते हैं। यहाँ पे देखो किसानों की कितनी। विनोद, मैं चाहूंगा उस लाइन में तमाम बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं, उन बुजुर्गों से आप बात करें, तमाम लोग वहां पर खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हुए। वहां पर झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आप बुजुर्गों से बात करें, वहां से उनका हालचाल जाने। मंत्री का जिला है फिर भी खाद नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या है? मिली नान पर आओ, काफी नाम में रहो, खाद नहीं मिल रहा है, काफी नहीं मिल रहा। गेहूँ की फसल बोगनी का समय है और इस समय इन लोगों को खाद नहीं मिला है। और भी है यहाँ पे जो नौजवान है, 20 दिन पहले के टोकन कटे हुए हैं, 20 दिन से जो लेने में लग रहे बराबर, कब तक आए? गेहूँ हरने की फसल कट चुकी, कब गेहूँ हरेंगे? तो बताने क्या नहीं मिल पा रहा, क्या समस्या है? समस्या कितने का मिल रहा है?
कृषि मंत्री है जिले के और तमाम विधायक है, फिर क्यों नहीं मिल पा रहा था? दो ट्रक मार रहे हैं। तो बिल्कुल आपने देखा कि किसानों की नाराजगी भी है, इनका कहना है कि खाद विलंब किया जा रहा है और हमको खाद नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ के जो कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना है, उन्हीं का ये गृह जिला है, और इसमें किस तरीके से यहाँ पे जो बालिका है, ये देखो कि कितनी ये मासूम बच्ची है, खाद के लिए लाइन में लगी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आई हो आप? खाद के लिए। तो पढ़ने जाती हो? नहीं। जाती हो? नहीं। तो क्यों, कितने दिन से परेशान हो रहे खाद के लिए? 29 तारीख से। तो बिल्कुल आपने देखा यहाँ पे 29 तारीख से परेशान है खाद के लिए। अच्छा, क्यों नहीं मिल पा रहा? आपने कभी किसी को व्यवस्था प्रशासन की कैसी है यहाँ पे? गलत है। हाँ गलत है, सही नियम से खाद नहीं मिल पा रहा है यार। पर्ची रखी है हमारे पास, हम 5-6 चक्कर लगा चुके हैं। बाजार में कितने का मिलता है? बाजार में 1700 रुपए का मिल रहा है ये डीएपी। बाजार में 1700 रुपए? बिल्कुल आपने देखा कि यहाँ पे जो बाजार की अगर रेट की जाए ब्लैक में, तो 1500 से 1700 से लेकर 1800 रुपए तक का डीएपी खाद मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो किसान है लाइन में लग रहे हैं। विनोद, मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा। जब कृषि मंत्री जो है वो वहां से आते हैं, उनका क्षेत्र है, और वहां पर किसानों को इतनी समस्या झेलना पड़ रही है, तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, मैं यहाँ के नौजवान उनसे पूछते, क्यों भाई कृषि मंत्री का जिला है लेकिन फिर भी खाद की परेशानी है, क्यों? क्यों कहा पर तो कही दूंगे देना। आपने कृषि मंत्री से नहीं कहा? मना कृषि मंत्री है, मना गई कृषि मंत्री। कौन नहीं सुनता है? अरे अमन जैसे आदमी सुनता अपने लाइन के लिए निकाल देता है। अच्छा, उन्हें उनके फेवर के उनकी सुनते हैं, वैसे लोगों को? अच्छा, अपने फेवर के खाद मिल जाता है, उनके फेवर के होते हैं, घर ही पहुंच जाता है। अच्छा, उनके यहाँ घर पहुंच जाता है। आम लोगों के लिए वैसे तो भाई परेशान फिर रहे हैं, क्या करें, 2000 का मिल लो बहना नहीं प्राइवेट में। विनोद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कृषि मंत्री जहां से आते हैं अगर वहां की स्थिति है तो प्रदेश की क्या स्थिति होगी, ये तो जानने वाली बात ही है।